Đây hả? I have been watching your videos and learned a lot. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना, रीना अथर्वा चैनल पर आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी हम बात्रा हॉस्पिटल में हैं। अथर्वा की ये नेक में प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो हमने हड्डियों को डॉक्टर है उसको देखा है। अभी अथर्वा को कॉफ़ी पीना है, तो कॉफ़ी शॉप में आया, तो अभी खुद ही पेमेंट करेगा कॉफ़ी लिया है। पेमेंट कर रहे हैं, कितना देना है आपको, कितना पे करना है? अच्छा, बस स्कैनर लेना है। अच्छा, एक सेकेंड फिर से करो, मैं आया नहीं। हाँ, स्कैनर कैसे लेता है? हाँ, कितना पे करना है आपको, कितना पूछो? 30 पे करना है। चलो पाओ। हाँ, क्या हो गया पे? यस ऊंचा बोलो। यस। हाँ, अंकल से पूछो। अंकल चला गया। और कॉफी ले लो। तो ये अथर्वा की 10 इयर्स का मतलब बिग इम्प्रूवमेंट है। आप लोग पूछते हो ना कौन सा एज में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है बच्चे को, तो अगर आप काम करते रहेंगे तो आपका बच्चा भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। जो बच्चा बोल नहीं सकते थे वो बच्चा भी इतना कुछ कर रहा है, यही हमारे लिए बहुत मतलब खुशी की बात है। अभी अथर्वा कॉफ़ी भी पी रहा है, खुद लेता है, मतलब अभी कोई पर भी ले जाओ, बाहर लेके जाओ, कोई पर भी, रेस्टोरेंट हो, बाहर हो, पब्लिक प्लेस में, कोई पर भी अथर्वा दिक्कत नहीं करता है। अभी अथर्वा का नेक में दर्द है, कापर दर्द हो रहा है, तो नेक घुमाने में भी मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग दुआ कीजिए अथर्वा जल्दी से ठीक हो जाए एकदम से। आज सुबह भी ठीक था, तो 12 o'clock बेलकोनी में खड़ा थी, अंदर आके मेरे को एकदम से बोल रहे मामा मेरा नेक में दर्द हो रहा है। तो कोई चोट नहीं लगा, ऐसे ही लगता है नाचे उछे दाब गया। 5 डेज की दवाई दिया डॉक्टर ने, तो 5 डेज बाद फिर फ्राइडे को आके दिखाना है। अभी एक्सरे उक्सरे किया नहीं है, सर्दियों का मौसम है, शायद नाचे उछे दाब गया होगा। चलो क्यों, I have been watching your videos and learned a lot. Thank you for sharing your experience. It's amazing. I am using your activities for my son and seeing some slight improvement. Good day. Thank you so much. Thank you for guiding us with activities. God bless you. Thank you so much, friends. फ्रेंड्स, अभी मैं दवाई के लिए लाइन पे खड़ा हूँ, तो अभी अथर्वा को मैं दूर में भी छोड़ सकती हूँ। अभी मैं लाइन पे खड़ा हूँ और अथर्वा दूसरी जगह पे तो फ्रेंड्स, अभी मैं दवाई के लिए लाइन पे खड़ा हुआ और अथर्वा दूसरी जगह पे है, काफ़ी दूर है मेरे से, तो अभी उसको मेरे साथ रखने की या बैठने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो दूसरा जगह और बैठ के कॉफी पी रहे हैं, इसका मैं दूसरा रूम में भी सोच सकती हूँ, दूसरा फ्लोर में भी सोच सकती हूँ।
वो अभी जिंदा ही होता है, मतलब इतना समझदारी, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। तो इन 10 ईयर्स की मतलब अभी ये इम्प्रूवमेंट 10 ईयर्स में अथर्वा दे रहा है। तो जाइए देखिए, मैं इधर हूँ और अथर्वा खा रहा हूँ। मैं ऊपर तक जा रहा देखिए मैं खड़ा हूँ जिसके किसी में, मेरा जो कैमरा मैन है, मेरा कजिन ब्रदर, वो वीडियो बना रहा है। अभी अथर्वा दूसरा जगह में बैठा है, मैं लाइन पे ही। तो आप लोग भी टेंशन मत करिए, आप लोग से काम करते रहिए तो आपका बस शरीर जरूर ऐसे ही इम्प्रूवमेंट देगा। अभी अथर्वा को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई पर भी मैच छोड़ सकते हैं। तो देखते रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए और अथर्वा के लिए दुआ कीजिए, अथर्वा जल्दी से ठीक हो जाए। हमारा लाइफ ऐसे है, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है, दूसरा प्रॉब्लम दस्तक देता है। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्प्रूवमेंट के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप जाइए अभी अथर्वा को देख लीजिए, अथर्वा भी टाटा बाय बाय करेगा आप लोग को। Bye bye, friends.